आप मुझे ये बताएं कि बोटोक्स क्या है और बोटक्स में क्या ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं साथ साथ बोटॉक्स तो है इट्स इंजेक्शन बेसिकली इट्स अ बोटुलम टॉक्सिन इंजेक्शन बोटॉक्स जो है वो आपके एजिंग को आपके रिंकल्स को जो है ट्रीट करता है, है. आपके फोरहेड पे अगर फाइन लाइंस हैं रिंकल्स हैं या आपके ये आंखों के इर्द क्रोस फीट बन रहे हैं नाक पे लाइंस बन रही हैं या इवन आप जब स्माइल कर रहे हैं या आपकी सैडी फेस अपेयरेंस आ रही है तो इन रिंकल्स को इन फाइन लाइन्स को ट्रीट करने के लिए बोटोक्स के इंजेक्शन लगते हैं तो वो उसके उसके बाद क्या आपकी स्किन सही हो जाती है हाँ बिल्कुल तो नुकसान क्या क्या है सी बोटॉक्स या कोई भी ट्रीटमेंट इज सेफ व्हेन इट्स इन द सेफ हैंड अच्छा हाँ अच्छी बात की बिल्कुल बिकॉज कोई भी ट्रीटमेंट आप किसी से करवा रहे हैं जस्ट मेक श्योर कि यू आर इन द सेफ हैंड एक डॉक्टर एक प्रॉपर ट्रेन क्वालिफाइड स्थेटिक प्रैक्टिशनर ही आपका ट्रीटमेंट कर रहा है क्योंकि बोटॉक्स इंजेक्शन की भी टेक्निक है यूनिट्स होते हैं कि आपके फोर हेड लाइन पे फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइन लाएंस मेरी लाइन से या यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं डिफरेंट हैं हर एक के फीचर्स डिफरेंट हैं अब जरूरी नहीं है कि आपको अगर लेट सपोज दस यूनिट लगने हैं तो मुझे भी दस यूनिट ही लगे

टॉक्स हैंड्स में है तो बोटॉक्स के उसी टाइम पे ड्रूपी आईलेट इफेक्ट्स भी आ जाते हैं अगर गलत इंजेक्ट हो अच्छा उसमें फिर क्या होता है अगर आप गलत इंजेक्ट कर रहे हैं तो फिर उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई ड्रॉबैक आपके फेस पे आएगा फिर उसको खत्म नहीं किया जा सकता खत्म होता है और उसके लिए फिर इट्स लाइक एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है एंड बोटॉक्स का असर या तो फिर ये है कि जो ड्रूपी आईलेड है वो फिर आपका तब तक रहेगा जब तक आपके बोटॉक्स का इफेक्ट रहेगा right. या उसके लिए फिर आपको अपना बोटॉक्स का ऑल्टरनेट्स करवाने पड़ते हैं डिजोलग इंजेक्शन करवाने पड़ते हैं फिर वो एक अलग जो है प्रोटोकॉल में चीज चली जाती है आई फिलर्स की बात कर लेते हैं कुछ लोग आई फिलर्स भी अब करवा रहे हैं mm -hmm. इसमें क्या होता है अंडर आई फिलर्स की yes. बात कर सी अंडर आई जो है इट्स अ एनाटॉमिक यू कैन से डिफेक्ट ठीक है अब जब आंख जो है वो सकन हो जाएगी जब अंदर को चली जाएगी तो एक श्रिंकिंग इफेक्ट आता है ठीक है? है और श्रिंकिंग इफेक्ट से सबसे पहले तो आपकी जो एक लुक है वो बहुत फिटीक और टायरिंग अच्छा लगती है।, क्या होती है कि क्या वजह जो हम कहते हैं एक तो इट्स इट कैन बी ड्यू टू द एज एज के साथ साथ क्योंकि आपके फीचर्स चेंज हो रहे होते हैं आपके जो इधर आपके इवन टेंपल रीजन में भी जो है इफेक्ट आ जाता है तो इसी तरह एक एज नंबर टू इज योर डाइट एंड नंबर थ्री इज योर लाइफ स्टाइल कि आप अपनी स्किन केयर को किस तरह से मेनटेन रख रहे हैं और आपकी डाइट क्या है क्योंकि आपकी डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे आपकी स्किन पर तो जब आपकी अंडर आई जो है वो डीपन हो जाएगी सक्कन हो जाएगी विद द एज एंड ड्यू टू द लैक ऑफ डाइट तो ऑटोमेटिकली वो आइज का जो है एक शेडो प्रोमिनेंट होता है जिसको डार्क सर्कल्स है. कहते हैं right. तो उसको ट्रीट करने के लिए अंडर आई फिलर किया जाता है और इस एरिया को टेयर ट्रफ कहते हैं टेयर ट्रफ डिफॉर्मिटी अंडर आए उसको ट्रीट करने के लिए आप फिलर लगाते हैं बट अगेन फिलर भी तभी सेफ है जब वो सेफ हैंड्स में hmm. है और फिलर्स में तब है जब exactly. जब सेफ है ट्रू और फिलर्स पे हेलोरॉनिक एसिड होता है ठीक है हेलोरॉनिक जो है वो आपकी स्किन को प्लम्प अप करता है आपके यहाँ डेप्थ अगर पड़ गई है आंखों के नीचे तो फिलर को लगा कर आप इंजेक्ट करके उसकी डेप्थ को ओवरकम करते हैं प्रॉपर लेयर में लेकर आते हैं जो नॉर्मल आपकी स्किन के साथ जो है डिटैच होती है ठीक हो गया तो उसकी वजह से फिर आपका जो एक डार्क सर्कल इफेक्ट है वो डेफिनेटली कम लगता है और आपकी जो वो टायरिंग लुक आ जाती है डार्क सर्कल और अंदर दबी हुई आंखों से वो फिर हम अच्छी तरह से उसको ओवरकम कर लेते हैं है? सही हो गया फूड मैनेजमेंट पे अगर बात करें तो मॉडल्स मैंने सुना है कि वो आ, खाना जो खाती हैं जो अभी भी करंटली मॉडलिंग कर कर रही हैं, हैं। <coughs> वो कर देती है. is it true? <laughs> खाना खा <के? laughs> नहीं। क्योंकि इवन मॉडल टू ये मुझे सुनने को मिलता था कि आप लोग तो खाना खा के वॉमिट आउट कर देते हैं बट ऐसा बिल्कुल नहीं है आई है खाती हैं रुई

कि ये हमें ये करवाना है हमें ये कर अनोखी मतलब क्या, क्या, क्या डिमांड्स करते हैं और उसके बाद आपके पास कोई वर्स्ट केस भी आए हो तो हमसे वो भी शेयर करें ज़रा हमारे पेशेंट्स को ज्यादा जो अनोखी डिमांड्स है ना वो सिर्फ रंग के ऊपर है कि रंग गोरा हो जाए एक कॉम्प्लेक्स है गोरे रंग का आई डोंट नो क्यों है बट हमारे माशरे में बहुत कॉम्प्लेक्स है कि लड़की गोरी होनी चाहिए रंग काला नहीं होना चाहिए अगर किसी का रंग काला है तो इन शॉर्ट लोग ही जीने नहीं देते ताने मार मार के वैसे ही उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो डीमोरलाइज कर देते हैं तो लोगों की बस यही ज्यादा होती है कि जो रंग हो, रहा हो। दूसरा छाइयों का बहुत इशू है ठीक है छाइयों के लिए अच्छा, भी बहुत रीजन क्या क्या होती है छाइयों के बहुत से रीजन है सबसे मेजर मिलाजमा छाई होता है बेसिकली मिलाजमा को कहते हैं अगर हम इसको आसानी से बता दें लोगों को क्योंकि मिलाजमा तो आपकी वो फील्ड के हिसाब से है ना लोगों को थोड़ा सा सिंपल करके अगर बताना चाहे तो अच्छाई जो है छाइया उसका जो मेजर कॉज है ना वो है आपकी सनलाइट सनलाइट सबसे मेजर कॉज है नंबर टू आपकी डाइट आप डाइट कैसी ले रहे हैं आप वाइटामिन का इनटेक आपका कैसा है आपका वाइटामिन बी ट्वेल्व अगर कम है वो भी छाइयों का रीजन बनता है. है आपकी डाइट में आपका मीट आपके एग्स आपके फिश का इनटेक है या नहीं है उसके अलावा आपका स्ट्रेस स्ट्रेस में क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल्स भी जो है आपके डिस्टर्ब होते हैं उससे भी आपकी छाइया जो हैं, वो है वो प्रोमिनेंट होती हैं सो so छाइयों का तो बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न है और जो एक और कंसर्न जो हमारी खातन ने खुद छाइयों का बनाया है वो है स्टेरॉइड्स क्रीम मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी लेकिन मार्केट में बहुत सी ऐसी क्रीम्स हैं स्टेरॉइड्स क्रीम्स हैं जो कि आपके फेस पे छाइयों को ट्रिगर करती हैं और स्किन का बेरा गर्क कर देती हैं तो क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं जो आपको देखने में मिले एज अ डॉक्टर

ऑर्गन ऑफ द बॉडी आप अगर स्किन का ख्याल नहीं रख रहे तो आई थिंक फिर आपकी जो बाकी हेल्थ है क्योंकि स्किन ने तो आपके सब ऑर्गन्स को जो है वो इनकवर किया हुआ है ठीक है आपकी डाइट कैसी है लेकिन हम नेचुरल तरीकों से अगर हम बात करें तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम नेचुरली इसको इनहेंस कर सकते हैं जिससे पानी स्किन का इंटेक। भी, स्किन भी ठीक रहे आप फ्रेश रहे रहें, आपकी आंखों के नीचे हल्के ना सोने की वजह से भी बढ़ते हैं बिल्कुल तो वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं नेचुरली जो बंदा करे अपनी रूटीन लाइफ में तो वो बेहतर जिंदगी गुजार है। सी, आपकी भी लग सकता है डाइट आपकी लाइफ स्टाइल आपकी स्लीपिंग हैबिट ये सब जो है बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं है। आप अपने आप को स्ट्रेस जब आप में आता है क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेस तो हर एक की लाइफ का एक हिस्सा है।, है और स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू एक्सरसाइज आपको अपनी लाइफ स्टाइल को खुद हेल्दी रखना है सो so, आपकी डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करती है मेक श्योर कि आप अंडे मीट फिश प्रोटीन डाइट्स और जो आपकी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स हैं उनको थोड़ा कट डाउन करें आपकी स्लीप जो है एटलीस्ट आप छः से सात घंटे की एडुकेट स्लीप ले रहे हैं पानी की अगर बात करें तो दिन में तीन से चार लीटर पानी का इनटेक होना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी आपकी स्किन इज सेवेंटी परसेंट ऑफ द वाटर जब आपका पानी का इनटेक अच्छा होगा तो आप ऑटोमेटिकली हाइड्रेटेड रहेंगे क्योंकि जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो अगैन इट गिव्स अ वेरी फिटिक लुक एक टायरिंग लुक आ जाती है और अल्लाह ने पानी एक नियमत बनाई है हमारे लिए